Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will be covering invertible mattresses. So let's begin. Let's understand the definition of invertible mattresses. Okay, so if we have been given कि हमारे पास एक A square matrix है of any order like n, हमें गिवन है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है एन एंड देन एक अदर स्क्वायर मैट्रिक्स लाइक बी एग्जिस्ट कर रहा है सेम स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एन ही है और वो एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है दैट प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी ए इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन उस केस में जो हमारा बी है बी जो होगा वो हमारा इनवर्स होगा ऑफ ए. ओके सो अब इसे समझते हैं. बेसिकली हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. साथ में ही उसके हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है जैसे कि बी बट उसका ऑर्डर क्या है सेम एन. ए और बी का सेम ऑर्डर है और एक कंडीशन है कि प्रोडक्ट ए बी का जब निकलेगा ए बी या बी ए का प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. देन उस केस में अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है देन बी जो है वो हमारा इनवर्स मैट्रिक्स है ए का और यूजली बी जो होता है वो हमारा डिनोटेड होता है एज ए इनवर्स. ऐसे हम डिनोट करते हैं इनवर्स मैट्रिक्स को. ओके सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको इजीली पता होगा क्या है. हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर किया था जब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझे थे. अगर आपको नहीं पता था क्विकली वो वीडियो देख सकते हो या मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा बता देती हूँ कि बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे डायगनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे इक्वल टू वन होते हैं और जो हमारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इक्वल टू जीरो होते हैं. तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए होता है. ओके सो अगर वो हमारी कंडीशन प्रोडक्ट ए बी और बी ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है देन बी जो है वो हमारा इनवर्स मैट्रिक्स होता है ए का और बी को हम यूजली डिनोट करते हैं एज ए इनवर्स. और इस केस में इस पर्टिकुलर केस में अगर ये है तो ए जो होता है वो हमारा इन्वर्टिबल कहलाता है. क्या कहलाता है? इन्वर्टिबल. ओके सो एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम क्विकली इन्वर्टिबल मैट्रिसेस को समझने के लिए. एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है. ए हमें गिवन है 2 3 1 2. ओके हमें ये एक मैट्रिक्स ए गिवन है और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 -3 -1 2. लेट्स अज्यूम कि हमें ये दो मैट्रिसेस गिवन है. अब हमें चेक करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो हमारा थ्योरम है उसको मतलब कंसेप्ट है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं, कि हमारा एक मैट्रिक्स ए बी में से कोई मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स है कि नहीं. ओके सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम ए बी लेंगे, हम प्रोडक्ट निकालेंगे ए और बी का. तो हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमें ए बी का प्रोडक्ट निकालना है. ओके सो प्रोडक्ट निकालते हैं. प्रोडक्ट तो आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर करी थी. हमें फर्स्ट रो दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ए वन वन आ जाएगा. सो 4 -3 -6 +6 2 -2 -3 +4. तो अब हम ये निकालेंगे 4 -3 is 1 0 0 and 1. तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल गया ना. हमारे जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो 1 है और जो हमारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो 0 है. तो ए बी का प्रोडक्ट जब हमने निकाला ए बी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा बी जो है वो इनवर्स ऑफ ए है, वो फुलफिल हो रहा है. बी जो है वो हमारा ए इनवर्स है, मतलब ए जो है वो हमारा इन्वर्टिबल निकल गया. अब हमारा सेकंड कंडीशन क्या थी, हमें एक बार चेक करने की बी ए, बी ए भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं. तो हम बी ए निकालते हैं.
देखो अब हमारा पी ए भी हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। इसका मतलब क्या है, हमारा ए भी हमारा इनवर्स ऑफ बी है। तो हमारे इस एग्जाम्पल में क्या प्रूव हुआ कि ए बी और बी ए हमारा दोनों इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है, मतलब ए जो है वो भी बी का इनवर्स है और बी जो है वो भी ए का इनवर्स है। ओके सो एग्जाम्पल को लेके साथ आपको आई होप इन्वर्टिबल मैट्रिसेस समझ आ गया हो कंसेप्ट कि किस कैसे मैट्रिसेस का इन्वर्स पता चलता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब मैंने इसमें क्लियर कर दिया। इन केस आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू हैवन सब्सक्राइब्ड इट येट। थैंक यू।